रामानंद सागर के सीरियल रामायण की शूटिंग से जुड़े कई किस्सों को अब तक हम जान चुके हैं। अशोक वाटिका से लेकर हनुमान की पूछ तक सबकी रियलिटी से सीरियल के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी ने हमें रूबरू करवाया है। अब सुनील ने रामायण में एक और दिलचस्प किस्से के बिहाइंड द सीन्स का खुलासा किया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राम सेतु निर्माण की। राम सेतु असल जिंदगी में भी रहस्य से भरा है और लोगों की उत्सुकता का कारण भी है, लेकिन पर्दे पर इसके निर्माण, तैरते पत्थरों और वानर सेना का लंका तक जाने की पूरी कहानी दिखाई गई है। अब ये कैसे हुआ, इसी विषय पर सुनील लहरी ने चर्चा की है। सुनील ने अपने लेटेस्ट वीडियो में राम सेतु मेकिंग पर बात की। उन्होंने कहा, हम परेशान थे कि शूट कैसे होगा, कोई ब्रिज नहीं बनाया, सेट पर वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि राम सेतु के लिए एक मिनिएचर बनाया गया था जो लगभग 1.5 फुट लंबा और 6 इंच चौड़ा था। इनमें छोटे छोटे पत्थर एक लकड़ी की प्लेट पर चिपकाए गए थे। वो दिखने में रियल लगते थे, लेकिन हमें परेशानी थी कि इसे बड़ा कैसा दिखाया जाए। इसके लिए एक अलग से कैमरा लगाया गया था जिसमें वो पुल यानी कि राम सेतु बहुत लंबा दिखाया गया। दूसरे कैमरे में समुद्र को दिखाया गया जो कि प्लेट पर बनाई गई थी। तीसरे कैमरे में हम लोग क्रोमा में थे। चौथे कैमरे में पत्थरों को कैप्चर किया गया। राम सेतु निर्माण में जो सबसे अहम चीज थी वो था पुल पर तैरते हुए पत्थर, लेकिन रामानंद ने इसके लिए भी शानदार उपाय ढूंढ निकाला। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सुनील कहते हैं, एक्रिलिक के स्टोन्स बनाए गए थे, ढांचा बनाया गया था, आधे आधे पत्थरों को मिलाकर एक पत्थर बनाया जाता था। कुछ रियल बड़े स्टोन्स भी थे। जो रियल स्टोन्स थे वो पानी में डूब जाते और एक्रिलिक स्टोन्स उनके ऊपर राम लिखा जाता था, वो तैरते रहते। इन चारों कैमरास की रिकॉर्डिंग जब कैप्चर हुई और जब रिजल्ट देखा गया तो वो शानदार था। तो ये था रामायण के सेट पर मिनिएचर के जरिए राम सेतु के बनने से लेकर इसके तैरते पत्थरों का राज। सुनील लहरी प्रतिदिन रामायण के बिहाइंड द सीन्स के किस्से सुनाते हैं। हर कड़ी में एक नई कहानी और एक नया किस्सा सुनने को मिलता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज और कमेंट करके